ओम गण गणपति नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का पाठ करेंगे। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पाठ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तब आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे पर सेट कर लें और श्रावण मास महात्म्य के अध्याय पाठ भी मेरे चैनल पर आप सुन सकते हैं। तो अब हम अपना पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पाठ आरंभ करते हैं। एकादशी व्रत की सभी भक्त जनों को शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, सो सब आप मुझे कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंता ग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीक होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल रह गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तब उसकी चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख को पा रहा हूँ, सो क्या कारण है मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सदव्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महाजीत नाम के धर्मात्मा राजा रहते हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं और हम लोग उन राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख हो जाए। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीक नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर होगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके वह बोले कि ब्राह्मणों, यदि राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव को गोमा करते थे, एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि दो दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया, उसी समय की ब्याही हुई प्यासी गौ भी जल पी रही थी, राजा ने उसको प्यासी ही वहाँ से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह महान दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने का कोई उपाय बताएं।
बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तब तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आ गई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल अपने राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी श्रावण मास महात्म्य के पुत्रदा एकादशी की कथा। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। एकादशी व्रत के सभी भक्त जनों को शुभकामनाएं। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।